कितनी बार कहा था, कितनी बार कहा कि एडवांस बुकिंग करा लो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी माननी नहीं है, तो फिर बैठो घर पे। स्वीटी, स्वीटी मुझे क्या पता था कि इतनी बकवास फिल्म इतनी हाउसफुल जाएगी? सुनो, फिल्म को कुछ मत कहना, समझे? तुम्हें पता है कितनी डरावनी पिक्चर है वो? अगर तुम देखते ना, तुम्हारी तो पैंटी गीली हो जाती। ओ हेलो, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत डरावनी फिल्में देखी हैं, समझी? अगर तुम में हिम्मत है ना, तो तुम ये फिल्म देखकर दिखाओ। लो, लो, तुम फिल्म लगाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न लेकर आता हूं। एंड हेलो, डरना मत, ओके? और अगर डरोगी ना तो चिल्लाना मत। हेलो, इतने डींगे मत हाको, समझे? मैं भी देखती हूँ क्या डरावना है इस मूवी में। हाँ बोलो। जय, ये स्टैचू तुमने यहाँ पे रखी है क्या? स्टैचू? कौन सा स्टैचू? वो जोकर वाली। जोकर? और मेरे घर में? शायद तुम्हारा वहम होगा जो तुम्हें जोकर दिख रहा है। Thank you.
अच्छा सुनो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम खाना खा लेना और मेरा वेट मत करना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। विक्रम, क्या हुआ? पानी पूरी खाएगा क्या? चल भाई, क्या देख रहा है? चल ना यार। क्या हुआ? जोकर। जोकर कहाँ है? जोकर तुझे वहां बैठा हुआ है, देखो दिख नहीं रहा है जोकर। तू चल चल, तुझे बिना पिए चढ़ गई है। जोकर चल, किसे देख रहा है? चल ना यार, चल घर चल तू। विक्रम, जोकर कहाँ है? जोकर विक्रम यार, क्या हुआ तुझे? क्या बात कर रहा है? चल अभी भी है, चल घर चल तू, पागल हो गया है? मैं विक्रम, विक्रम विक्रम, विक्रम, क्या हुआ था ऋषभ? मुझे मेरी आंखों में यकीन नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बुरा सपना देख रहा हूं। तुमने अपनी आंखों से देखा था विक्रम की लाश को हवा में झूलते हुए? दिमाग की आंखों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। कोई भला अचानक इस तरह कैसे भर सकता है? और फिर वो लाश हवा में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आत्माओं का खेल अक्सर इंसानी समझ से बहुत परे होता है। ऋषभ, मरने से पहले विक्रम का बर्ताव कैसा था? क्या वो परेशान था या फिर कुछ कहना चाह रहा था तुमसे? परेशान नहीं था वो। हम लोग तो हंसते खेलते जा रहे थे कि तभी अचानक वो घबरा सा गया। घबरा सा गया?
किस वजह से? शायद उसने देखा था किसी को जो मेरी आंखों को नजर नहीं आया। किसे? एक 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 जोकर को। जोकर को? हर्ष, मानसी ने भी मरने से पहले जोकर को देखा था। जय बता रहा था ना? हाँ, मानसी की भी मौत कुछ इसी तरह हुई थी, हवा में झूलते हुए। क्या आप मानसी कुमार की बात तो नहीं कर रहे जो बैंड्रा में रहती है? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो उसे? हाँ, मानसी और विक्रम बिजनेस पार्टनर थे। बिजनेस पार्टनर्स? हाँ, मानसी, विक्रम और उनके दोस्त अभिमन्यु की एक कंपनी थी। मतलब मानसी और विक्रम के बाद कहीं अभिमन्यु के जान को तो खतरा? बिल्कुल होगा, हमें किसी भी तरह अभिमन्यु को आगाह करना होगा। तुम्हारे पास उसका एड्रेस है? कहीं वो जोकर हमसे पहले ना पहुंच गया। कहीं वो जोकर अभिमन्यु को तो नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद कोई दरवाजा या खिड़की खुली हो। दरवाजा खुला? नहीं यार, दरवाजा नहीं खुला। मैं पीछे जाके देखता हूँ। हमने आने में बहुत देर कर दी। मैं मारो मुझे। प्लीज घबराइए मत। अब मेरी बात सुनिए, हम आपको मारने नहीं आए। प्लीज संभालिए अपने आप को। उसने मेरे अभिमन्यु को मार डाला। किसने मार दिया आपके अभिमन्यु को? पता नहीं, मैं तो अंदर फोन में बात कर रही थी, अभिमन्यु की चिल्लाने की आवाज आई। यहाँ आकर देखा तो ये दहशत भरा नजारा। इतनी बेदर्दी से भला कोई इंसान किसी को कैसे मार सकता है? कैसे? इस तरह से इंसान नहीं, सिर्फ कोई आत्मा ही मार सकती है। आत्मा? ये सब आत्माओं का खेल है। पहले मानसी, फिर विक्रम और अब अभिमन्यु। मानसी और विक्रम? वो तो अभिमन्यु के बिजनेस पार्टनर्स थे ना? हाँ, ये आत्मा उन दोनों को भी अपना शिकार बना चुकी है। पर ये आत्मा आखिर है किसकी? किसी जोकर की। जोकर की आत्मा? हाँ, किसी जोकर की आत्मा। क्या अभिमन्यु किसी जोकर को जानता था? नहीं तो इन तीनों की कौन सी कंपनी थी?
इनकी कास्टिंग एजेंसी थी जहां पर एक्टर्स को टीवी सीरियल्स और फिल्मों में रोल दिया जाता है। कास्टिंग एजेंसी, जानू मैं बस निकल रही हूँ। क्या तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? हाउ स्वीट, यू नो यू आर द बेस्ट। या ओके, चलो मैं तुमसे घर पहुंच के बात करती हूँ। ओके बाय। जी कहिए। जी दरअसल वो हमें, अगर आप लोग एक्टर्स हैं तो प्लीज कल आइएगा, आज ऑफिस बंद हो चुका है। नहीं हम लोग एक्टर्स नहीं है। तो फिर एक्चुअली हम आपसे कुछ बात करने आए हैं इस कंपनी के तीनों मालिक के बारे में। देखिए वो लोग तो इस दुनिया में रहे नहीं, अब क्या बात करेंगे आप उनके बारे में? हम उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब जी याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कभी कोई जोकर आया था आपके कास्टिंग एजेंसी में ऑडिशन देने के लिए? नहीं तो, पर हाँ परसों हम कुछ पुराने एक्टर्स की तस्वीरें फेंकने वाले थे, उसमें देखी थी मैंने एक जोकर की तस्वीर। क्या हम वो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं? हाँ वो फोटोग्राफ्स अभी भी स्टोर रूम में हैं। यामिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? यामिनी क्या बात है, हुआ क्या? हर्ष मुझे लग रहा है कि कोई देख रहा है हमें। देख रहा है? कौन? शायद वो जोकर। जोकर? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है ये तुम्हारा वैन। अब चलो उस जोकर की फोटोग्राफ्स ढूंढते हैं इनके स्टोर में। चलो सारे फोटोग्राफ्स यहीं पर हैं, आप लोग प्लीज ढूंढ सकते हैं, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। यही तो देखा था मैंने वो फोटोग्राफ, इस बॉक्स में भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। उसकी फोटोग्राफ यहाँ पर कहीं नहीं है।
क्या तुम्हें ठीक से याद है कि तुमने किसी जोकर की फोटो देखी थी? हाँ, यही थी वो फोटोग्राफ। प्यून भी मुझे बता रहा था कि कोई जोकर बार बार ऑडिशंस के लिए आता था और सब लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन फिर भी वो आता था। अगर वो एक एक्टर था तो वो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज में जरूर गया होगा ऑडिशन देने के लिए। एग्जैक्टली। इस तरह की और कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर एक्टर्स के ऑडिशंस होते हैं? हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रोडक्शन हाउस। वहां आपको इस जोकर की फोटोग्राफ जरूर मिल जाएगी। थैंक्स। वो फोटोग्राफ मैंने यही देखा था। ये फोटोग्राफ तो यहाँ था, तो फिर दिखा क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ जय? इस बार भी बात नहीं बनी? नहीं यार, अपना नसीब एक होता है। वैसे देखा जाए तो एक्टिंग सबको पसंद आती है, लेकिन हाँ यार, हर बार की एक ही कहानी। वैसे मानसी तेरी कुछ मदद कर रही है या नहीं? मानसी ने कभी मेरी मदद की ही नहीं मुझे रोल दिलवाने के लिए, और अब कभी कर भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं करेगी? वो एक्चुअली चलिए प्लीज, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। चलिए चलिए, अब तो मेरा ऑडिशन बाकी है। 9 बज रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कल आ जाइएगा। मैडम, 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। अब खुश? चलिए यहाँ से। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे लिए रोल बहुत जरूरी है। दूर से आया तो क्या सर पे बिठा लूँ? कहा ना कल आना। चलो, अपना भी एक दिन टाइम आएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार, सही में। पंकित को भी यहाँ होना चाहिए था यार। इस लल्लू एक्टर का ऑडिशन देखकर तो हंस हंस के गिर ही जाता वो। आई नो यार, हंसी के मारे मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। ये एक्टर्स कितने बेवकूफ होते हैं ना, सोचते हैं कि बिना कुछ दिए इन्हें काम मिल जाएगा। अरे यार, वैसे भी ऑडिशन तुमसे दिखावे के लिए कर रहा है, रोल तो उसी को मिलना है, क्लाइंट के भांजे विक्रम कुमार को। ये क्या हो रहा है यार? ये लाइट अपने आप ऑन ऑफ कैसे हो रही है? तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर जाकर मेन बोर्ड देख के आता हूँ। दरवाजा खुल नहीं रहा है, पूरा जाम हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं यार? अरे नहीं खुल रहा है। मेरा कोशिश कर जरा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है। क्या हुआ प्रकाश?
कौन हो तुम? एक्टर हूँ, ऑडिशन देने आया हूँ। अरे ऑडिशन तो खत्म। रुक, कहाँ जा रहा है? देख ऑडिशन बंद हो चुके हैं। रुक भाई, अरे समझो इसे। अरे हीरो कहाँ जा रहे तू? अरे समझ नहीं आ रहे। अरे ए हीरो यहाँ क्यों आया और कौन है तू? ए बात समझ में नहीं आती क्या? चल बाहर। लाइट For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.